नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको क्या चार्जेस लगने वाले हैं ये बातें तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या चार्जेस लिया जाता है इसके लिए हम ब्रोकर की वेबसाइट पे जा करके लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करके ही पता लगाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत के 8 बड़े नामी दिग्गज ब्रोकर्स का फुल डिटेल कंपैरिजन हम करने वाले हैं। जानेंगे कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा ब्रोकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता है, कौन से ब्रोकर का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए यहाँ पे कौन सा ब्रोकर बेस्ट होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे 8 बड़े दिग्गज ब्रोकर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी 2024 में लेटेस्ट हमसे किस तरीके के चार्जेस इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, उसके बाद जो है इनकी वेबसाइट पे जाकर के लाइव ब्रोकरेज का कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम 10,000 रुपये 20,000 रुपये का ट्रेडिंग करते हैं तो एक्चुअल में हमारे कितने पैसे यहाँ पे कटने वाले हैं। सबसे पहले जो है इन 8 ब्रोकर्स का फुल डिटेल कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है कि कौन से ऐप को कितने लोगों द्वारा चुना गया है, यानी कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। बात करते हैं अगर जीरोधा की, तो जीरोधा को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ग्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। एंजल वन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 5 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अपस्टॉक की बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पे भी 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। फाइव पैसा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। एम स्टॉक की बात करते हैं तो 50 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। वहीं धन की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 लाख से अधिक लोगों ने जो है धन को डाउनलोड कर रखा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ जो कि है एक्टिव यूजर, यानी करोड़ों लोगों ने इन ऐप्स को डाउनलोड तो कर लिया लेकिन एक्चुअल में अभी इन ऐप्स का कितने लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है। बात करते हैं अगर जीरोधा की तो 65 लाख से अधिक लोग अभी जीरोधा का यूज करते हैं। ग्रो की बात करें तो यहां पे 54 लाख से अधिक एक्टिव यूजर है। एंजल वन की बात करते हैं तो यहाँ पे 43 लाख से अधिक एक्टिव यूजर है। अप स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 लाख से एक्टिव यूजर है। पेटीएम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 6 लाख से अधिक एक्टिव यूजर है। फाइव पैसा की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख से अधिक एक्टिव यूजर है। एम स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 लाख से अधिक एक्टिव यूजर है। धन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 लाख से अधिक जो है अभी एक्टिव यूजर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बढ़ते अपने अगले पैरामीटर की तरफ जो कि है कौन सा ऐप कब से अपनी सर्विस दे रही है। बात करते हैं अगर जीरोधा की तो जीरोधा जो है 2010 से सर्विस दे रही है। ग्रो की बात करते हैं तो ये जो है 2016 में मार्केट में आया था। वहीं सबसे पुराना जो है हमें एंजल वन देखने को मिल जाता है जो कि 1996 में मार्केट में आया था। अप स्टॉक की बात करते हैं तो ये 2009 में आया था। पेटीएम मनी की बात करते हैं तो ये 2017 में आया था। फाइव पैसा की बात करते हैं तो ये 2016 में आया था। एम स्टॉक की बात करते हैं तो ये 2022 में आया था। वहीं धन की बात करते हैं तो ये 2021 में आया था। एंजल वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर दोनों का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है तो मैं एक मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा, और या फिर अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें फुल सर्विस ब्रोकर की तो यहाँ पे हो सकता है आपको ट्रेडिंग में मदद करी जाए या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपकी मदद करी जाए। तो यहाँ पे एंजल वन जो है डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर दोनों को सपोर्ट करता है, बाकी सारे ब्रोकर जो है सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर है। तो इन 8 ऐप्स के बारे में हमने बेसिक चीजें तो जान ली कि कौन सा ऐप किस टाइप का ब्रोकर है, कब मार्केट में आया था, कितने डाउनलोड है, बेसिक चीजें तो हमने यहाँ पे जान ली। अब बढ़ते अपने मेन पैरामीटर की तरफ जो कि है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। किसी भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो कितना चार्ज यहाँ पे आपसे लिया जाता है। बात करते हैं अगर जीरोधा की तो यहाँ पे 200 रुपये इक्विटी में, वहीं आप कमोडिटी का सेक्शन भी ऐड करते हो तो 100 रुपये, यानी 300 रुपये आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाते समय देना होगा। ग्रो की बात करें तो यहाँ पे ग्रो जो है फ्री देखने को मिल जाता है। एंजल वन में भी हमें फ्री देखने को मिल जाता है। आप स्टॉक की बात करें तो ये भी फ्री है। पेटीएम मनी की बात करें तो ये भी अभी फ्री देखने को मिल जाता है। फाइव पैसा की बात करें तो ये भी फ्री है। एम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे जो है अभी 0 रुपीज़ हमसे लिया जा रहा है, और धन की बात करें तो ये भी अभी जो है फ्री है। अब बढ़ते अपने अगले पैरामीटर की तरफ जो कि है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। इन ऐप्स को चलाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने कस्टमर से ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, तो बात करते हैं कौन से ऐप के कितने अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है। जीरोधा की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको 50,000 से कम है होल्डिंग तो यहाँ पे आपको 0 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो यहाँ पे जो आपको 100 रुपये देखने को मिल जाता है प्लस GST। वहीं अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा है तो 300 रुपये प्लस GST आपको एनुअली देना होगा। ग्रो की बात करते हैं तो ग्रो यहाँ भी फ्री में हमें देखने को मिल जाता है। एंजल गिवन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकेंड ईयर से आपको 20 रुपये पर मंथ देना होगा। आप स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाता है। पेटीएम मनी की बात करें तो ये भी फर्स्ट ईयर फ्री है लेकिन सेकेंड ईयर से आपको 30 रुपये पर मंथ देना होगा। फाइव पैसा की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से आपका होल्डिंग कम है तो 0 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। वहीं 50,000 से अधिक है तो यहाँ पे आपको 75 रुपये क्वार्टरली देना होगा। वहीं बात करते हैं एम स्टॉक की तो 120 रुपये
प्लस जीएसटी पर क्वार्टरली आपको एम स्टॉक में देना होगा। धन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है एएमसी अभी फ्री हमें देखने को मिल जाता है। शेयर मार्केट में होने वाले सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी में आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो तो उसे आप लॉन्ग टर्म तक अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। वहीं इंट्राडे का मतलब होता है कि जिस दिन आप उस शेयर को खरीद रहे हो उसी दिन आपको बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो यहाँ पे उस शेयर को बेच देगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। अपने अगले पैरामीटर की तरफ जो कि है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। किसी भी शेयर को जब हम बाई करते हैं तो ब्रोकर द्वारा हमसे जो चार्ज लिया जाता है उसी को हम कहते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर जीरोधा की, तो यहाँ पे हमें जो है फ्री देखने को मिल जाता है, कोई भी ब्रोकरेज चार्ज हमसे नहीं लिया जाता है। ग्रो की बात करें तो यहाँ पे 0.05% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए तक देखने को मिल जाता है, यानी आपके टोटल टर्नओवर का 0.05% 20 रुपए से अधिक भी हो रहा है तो भी मैक्सिमम आपसे 20 रुपए ही लिया जाएगा। अगर 20 रुपए से कम हो रहा है तो उतना ही अमाउंट आपसे ले लिया जाएगा। बात करते हैं अगर एंजल वन की, तो यहाँ पे जो है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी फ्री देखने को मिल जाता है। आप स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे 2.5% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए तक देखने को मिल जाता है। पेटीएम की बात करें तो यहाँ पे भी 2.5% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए को देखने को मिल जाता है। 5 पैसा की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपए ही देखने को मिल जाता है। एम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 20 रुपए देखने को मिल जाता है। वहीं धन की बात करें तो ये बिल्कुल ही फ्री है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ जो कि है ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। बात करते हैं अगर जीरोधा की, तो यहाँ पे 0.03% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए तक देखने को मिल जाता है। ग्रोप की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैट 20 रुपए देखने को मिल जाता है। एंजल वन की बात करें तो 0.25% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए तक देखने को मिल जाता है। अप स्टॉक पे भी यहाँ पे 0.05% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए, पेटीएम मनी पे भी 0.05% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए, 5 पैसा पे जो है आपको 20 रुपए, एम स्टॉक पे भी आपको 20 रुपए देखने को मिल जाता है। वहीं धन की बात करें तो यहाँ पे भी 0.03% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपए तक देखने को मिल जाता है।